इसके अलावा और क्या दिखाने वाले हैं, तो एक मल्टीमीटर की रेंज और रह गई है जो कि काफ़ी कमेंट आ रहे थे हमें छोटे मल्टीमीटर से लेके प्रोफेशनल तक मल्टीमीटर तक दिखाए जाएँ। हमारे पास सबसे सस्ता ये 105 रुपए वाले मीटर से लेकर के जी महंगा आप 40,000 तक का मल्टीमीटर ले लो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समीर, न्यू गेट नगरी में आपको स्वागत है। मैं आज आपको फिर लेकर आया हूँ ओल्ड लाजपत राय मार्केट शक्ति टूल्स एंड हार्डवेयर स्टोर। यहाँ पर मैं आज किस लिए लेकर आया हूँ, आपकी काफी कमेंट आ रहे थे पिछली बार, जो हमारे भाई लैपटॉप वगैरह रिपेयर करते हैं या जो डिश टीवी वगैरह रिपेयर करते हैं या जो एलईडी टीवी वगैरह का काम सीख रहे हैं, वो भी उनके भी काफी सारे कमेंट आ रहे थे, सर अगर हम रिमोट एरिया में रहते हैं या कहीं साउथ वगैरह में रहते हैं जहाँ पर बंदर वगैरह काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, तो उस वक्त हमारी कोई ऊपर से डिश वगैरह हिला के चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे ही आज आप देख रहे हैं काफ़ी सारी यहाँ पर रेंज लगी हुई है सैटेलाइट फाइंडर की। तो हमारे साथ हैं शॉप के ओनर और ये हमें बताएंगे कि कौन सी चीज़ कितने रुपये में मिलने वाली है। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्टार्टिंग प्राइस है 250 रुपये में, ये 250 रुपये से सैटेलाइट फाइंडर स्टार्ट होता है और कितने रुपये तक ऊपर जाएगा ये हमें सर बताने वाले। और पिछली वीडियो में थोड़े से कमेंट भी आए थे मास्क को लेकर कि यार हमने मास्क नहीं लगा रखा, तो चलिए पहले मास्क लगा लेते हैं, मास्क लगाने के बाद उसके बाद आगे की कार्यवाही पूरी करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने मास्क लगा लिया है, मास्क लगाने के बाद वन बाय वन क्या कितने से स्टार्ट होने वाला है सर हमें बताएंगे। सर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, प्लीज बताइए कि आपके पास जो ये वैरायटी है कितने रुपए से स्टार्ट हो जाती है और ये क्या काम भी आती है ये भी बताइए। मैं बता रहा हूँ इसमें जैसे ये सबसे हमारा सस्ता वाला है और सबसे ज्यादा बिकने वाला है, कोई समझो गाँव देहात है जी या कोई रिमोट एरिया ऐसा है, पहाड़ी एरिया है या साउथ में एरिया जहाँ बंदर भी हैं, हाँ। कभी हवा चली तो डिश उड़ गई मुड़ गई तो कनेक्शन नहीं आता, आप परेशान होता रहता, बंदा फ़ोन करता था 500 रुपए चार्ज करता उनसे एक विजिट के, कल फिर हवा तेज चलेगी बेचारे का फिर कल ख़राब हो जाएगा। इसके लिए भी सेटेलाइट वेंडर एक लेकर रख लेगा बंदा 250 रुपये की चीज़, तो उसमें घर बैठ के जब भी प्रॉब्लम आए इसमें लिखा हुआ है सारा, एक साइड डिश से लगाना है एक साइड आपको रिसीवर पे लगाना है, और जहाँ पर ये मीटर सबसे हाई पर आए वहाँ जब सबसे ज़्यादा रेंज है, इसका मतलब सैटेलाइट आपको मिल गया। तो सर जैसे ये 250 की आइटम है, अगर कोई बंदा हमारा राजस्थान में बैठा है तो वो एक पीस मंगा सकते हैं? एक मंगाए कोई बात नहीं, एक मंगाए हम एक भी देंगे, क्यों नहीं देंगे, हमारे तो कस्टमर क्योंकि मैं तो होलसेल मार्केट में खड़ा हूँ ना या लाजपत राय मार्केट में। देखो भैया होलसेल में ही हम सब देंगे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया एक लो 100 लो हमारे यहाँ रेट एक ही है। ओके, उसमें हम किसी कस्टमर जितनों ने वीडियो देख के मंगाए भी आप कमेंट्स पढ़ो सब खुश है, एक का आपके सामने अभी कस्टमर आकर नहीं लेकर देखे क्या नहीं, तो हमने कोई किसी से रेट नहीं ज्यादा लगाया ना, अगर वो एक अलग बात है कोई इम्पोर्टेड आइटम है या कैसी है कोई रेट ही बढ़ गया जी, तो थोड़ा वो 19-21 का फर्क पड़ता है, हमारे रेट कभी गलत नहीं हो। तो फ्रेंड जैसे कि आपने देखा ये तो मैनुअल है, इसके ऊपर कौन कौन सी वैरायटी आती है और ये कितने रुपए तक जाता है, तो अब वन बाय वन हम सबका बता देते हैं कि ये कितने रुपए की वैरायटी और कौन कौन सी, सर बताएं फीचर बताएं और सब में क्या क्या फीचर है। ये तो नॉर्मल नीडल वाला है सुई वाला, ठीक है, जो आम आदमी कोई भी जिसको आता नहीं आता प्रोफेशनल है नहीं है उसके काम का, सबसे ज्यादा सुई जहाँ पर आगे बढ़ी जी उसका सबसे नेटवर्क वहाँ पर आया ये हो गया। ऐसे ही इसके अंदर सॉलिड एसएफ 252 है, ये भी बहुत ज़्यादा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, ये भी आपको डिजिटल बताएगा फ्रीक्वेंसी कितनी आगे पहुँची, ठीक है जी। उसके बाद आप अपना जो एसएफ 290 इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट में कंपास भी दे रखा है समझो, जैसे इसने ये सुई वाला ये इसमें कंपास भी दे रखा है, आप कैसे भी सेट भी कर सकते हो डी, तो इसको बहुत फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का। अब थोड़ा सा और किसी को और अच्छा चाहिए कि उसको डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो हमारे पास एसएफ 215 भी है, एसएफ 215 सेम आपका जैसे सुई वाला रहेगा ना ये ऐसा ही है, मगर ये आपका डिजिटल फॉर्म में है, ये आपको नंबर दिखाएगा जितनी ज़्यादा इसके अंदर परसेंटेज होगी
उतनी ज्यादा आपका नेटवर्क वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। तो सर जैसे अब ये देखो, एक साइड आपको लगाना है छतरी का और एक साइड ये जाएगी रिसीवर की, आपको पता लग जाएगा सबसे ज्यादा यहाँ पर परसेंटेज के अंदर आएगा जी। 80% 90% जहाँ 100% होगी वहीं छतरी सेट कर दो। 10 बार खराब हो 10 बार आपको एक ही मीटर 100 बार एक ही छतरी सेट कर सकता है। तो सर एक चीज बताएं, जैसे कि आपने ये अलग अलग मीटर दिखाए, तो ये अलग अलग डिश के हिसाब से खरीदने भी पड़ते हैं या यूनिवर्सल होते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखो जो घर में लोग लगाते हैं जिनको जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उनके लिए तो ये सब ठीक है, ठीक है। बाकी जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स के लिए भी हमारे पास है, देखो SF 252 SF 675 फुल HD का है। इसके अंदर आपको टोटल दिखाई देगा नंबरिंग सारे, इसके अंदर सारे के सारे सेटेलाइट, एयरटेल ले लो, डिश टीवी ले लो, जो आम सस्ते वाला है सब ले लो, सब के सब आएंगे। और सर इसके अलावा और क्या मिलने वाला है? ये देखो ये सेटेलाइट फाइंडर की पूरी रेंज है, ठीक है। समझो 250 रुपए से लेकर हमारे पास 9000 रुपए तक का है। ओके। आप कोई सा भी लो, हर एक का ना एक अलग प्रोडक्ट का अलग फीचर होता है। अब ये जो सब रेंज है ना, ये सब प्रोफेशनल्स के लिए। अब कोई प्रोफेशनल है जिसको गया जाकर सेट करना है, इसमें एयरटेल डिश टीवी टाटा स्काई सब चलेगा और ऑटोमेटिक है, इसको आपने सिर्फ जो है ना चार्ज करना है, ये देखो इसको चार्ज करना है सिर्फ, और ये अपना चलता रहेगा, आपका हर चीज ऑटोमेटिक है फुल। इसके पीछे जो ये एलईडी बल्ब ये सर ये रात को काम करने के लिए? ये रात के काम करने के लिए ना एलईडी बल्ब, जलता भी है ना। जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर एक छोटी सी टॉर्च भी दी गई है, वो इसलिए जैसे नाइट में अगर आप काम कर रहे हैं तो अंधेरे में आप कहाँ ढूंढेंगे, तो इसको आप इजीली इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इससे भी। तो इसके आगे, इसके आगे अब देखो ये सब मॉडल्स तो हैं जी। अब जो आजकल हॉट सेलिंग प्रोडक्ट में है, जो आजकल सबसे ज्यादा हमारा बिक रहा है, वो ये है SF 810 Pro। ये जो नॉर्मल पहले SF 810 आता था ना जी, उसका प्रो मॉडल है। आपको ऑन भी करके दिखाता हूँ। तो सर एक चीज और बताएं इसके बारे में, जैसे अभी आपने मॉडल दिखाया है तो इसके पीछे दो सॉकेट हैं, AV आउट और AV इन, का मतलब क्या है? टीवी भी चलता है ना इसमें? अच्छा इसके अंदर टीवी भी चलेगा इसमें? अच्छा फ्रेंड, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो मॉडल है इसके अंदर टीवी वगैरह सब इनबिल्ड है, आप टीवी भी इसके अंदर ही चलाकर देख सकते हैं। जो अपना डिश एंटीना आप सेट करने के लिए बैठे हैं उसके पास ही आप देख सकते हैं कि उसके सिग्नल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। हाँ। तो इसके साथ साथ काफी रेंज आगे भी बचती है। बाकी और अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दिया गया है सर का, आप वहां जाकर चेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या दिखाने वाले, तो एक मल्टीमीटर की रेंज और रह गई है, जो कि काफी कमेंट आ रहे थे हमें छोटे मल्टीमीटर से लेके प्रोफेशनल तक मल्टीमीटर तक दिखाए जाए। तो चलिए वीडियो पर आप इसी तरह बने रहे, हम मल्टीमीटर और आपको दिखा देते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगर मीटर की बात हुई है अभी तक तो हमने सैटेलाइट मीटर दिखाए आपको, और सैटेलाइट के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजिटल मीटर भी लग रहे हैं। ये किसके काम आने वाले? जो मोबाइल रिपेयर कर रहे हैं हमारे भाई उनके काम भी आने वाले हैं, LED रिपेयर कर रहे हैं उनके काम आने वाले हैं, जो अलग कोई गैजेट्स रिपेयर कर रहे हैं उनके काम भी आने वाले हैं, जो हमारे भाई घर में छोटा मोटा कुछ इलेक्ट्रॉनिक में कुछ करना चाहते हैं ये उनके काम भी आने वाले। यहाँ जो वैरायटी स्टार्ट होने वाली है आपको छोटे से लेके काफ़ी प्रोफेशनल तक, तो यहाँ पर फिर हमारे साथ शॉप के ओनर हैं, ये हमें बताएंगे कि इनके पास कौन कौन से मल्टीमीटर हैं और ये किस रेंज तक जाते हैं। तो सर प्लीज़ बताइए कौन कौन से मल्टीमीटर हैं और ये किस रेंज तक जाते हैं? हमारे पास सबसे सस्ता ये 105 रुपये वाले मीटर से ले करके जी महंगा आप 40,000 तक का मल्टीमीटर ले लो। ओके, 40,000 का मल्टीमीटर सर। और ये सुई वाला मीटर भी है हमारे पास, ये डिजिटल भी है, सुई में बड़ा भी है जी, क्लैम मीटर भी है, ये रहा हमारा क्लैम मीटर। आपको IC की चेक करनी है, SMD टेस्टर आजकल कहीं नहीं मिलता, ये लेटेस्ट प्रोडक्ट है हमारा। अब हमारे पास जो कई भाई आते हैं कहते हैं उसको AC चेक होता है, DC नहीं चेक होता जी। अब ये है क्लैम मीटर भी है, AC भी चेक करेगा, DC भी चेक करेगा, AC वोल्टेज DC वोल्टेज, तो ये भी बिल्कुल लेटेस्ट है। और जैसा मैं बता रहा था आपको SMD चेक करने के लिए, SMD ट्वीज़र वाला, SMD IC SMD होती है ना उसको चेक करें, उसको दिखाता है, ठीक है। बहुत वैरायटी है मल्टीमीटर तो हमारे पास, जितना मर्जी दे लो। और फिर अब हमारा ये जो सबसे ज़्यादा बिक रहा है ठीक, सबसे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, ये देखो रिकॉर्ड हो गया, मैं बच गया ना? आप बच गए बिल्कुल, एक सेकंड के अंदर चेक किया जी। अब ये देखो इसमें काउंटिंग भी हो रही है, बीप भी आ रही है, ठीक है। और अब यही चीज ये इसमें लगा कर दिखाओ, ये देखो ये रेड हो गया। अगर आपने समझो
प्रैक्टिकली देखो ये कौन यूज करता है, कोई मालिक तो खड़ा नहीं होगा गेट पे, हाँ जी। चेक करे गाड़ा को ना गार्ड, उसको तो टेम्परेचर पढ़ना भी नहीं आता, पढ़ेगा तो समझेगा भी नहीं इतना जी। अब इसके अंदर लाल हो गया, जिसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा है, सेट जो आपने करा हुआ है ज्यादा हुआ तो ऑटोमेटिक उसको रोक देगा ना, उसको ईजी देगा ना, काउंटिंग भी है, बजर भी है, सब कुछ है, और इस टाइम सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो सर इसका ये जो है इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका हमने 1250 रुपए प्राइस लॉन्च करा। तो कोई वारंटी वगैरह इसमें? 3 मंथ्स की आप रिप्लेसमेंट वारंटी है, कोई भी अगर प्रोडक्ट हमारा आपको कोई डिफेक्टिव निकलता है जी, आप उसको 3 मंथ्स तक मेरे से रिटर्न कर सकते हो, मेरे को 2 महीने या दूंगा आपको, कोई ठीक करने वाला काम है 2 महीने या दूंगा। इसको लेने के लिए शॉप पे आना जरूरी है, कोई घर बैठे भी मंगवा सकते हैं? घर बैठ के मंगाओ, सारा ऑनलाइन बेच तो रहे हम, घर बैठ के मंगाओ, सारा लिंक दिया हुआ हमने डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं सर ने जैसे कि ये बताया कि आप घर बैठ के भी मंगवा सकते हैं, घर बैठे इसको मंगवाएं, और घर बैठे मंगवाने के साथ साथ 1200 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, इससे ज़्यादा तो हम किसी डॉक्टर को देकर आ जाते हैं अपने आपको चेक कराने के लिए, कि बार बार अगर जाते हैं कि आज हमारा टेम्परेचर क्या है तो उससे ज़्यादा डॉक्टर ले लेगा। ये एक बार लेना है लाइफ टाइम की छुट्टी, और लाइफ टाइम की छुट्टी के साथ साथ जैसे कि इधर की बात चल रही थी तो इधर की जो मल्टीमीटर की बात है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टीवी रिपेयर वाले भी यूज़ कर सकते हैं, एलईडी वाले भी, मोबाइल वाले भी, या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट्स रिपेयर कर सकते हैं, वो भी रिपेयर कर सकते हैं। तो सर रिपेयर वाली मीटर वाली बात आई है, तो क्या एसी वाला मीटर भी होता है जो एसी वगैरह में हैवी मीटर यूज़ करते हैं? हाँ क्लैंप मीटर है हमारे पास, ये देखो जी, ये क्लैंप मीटर है, आप इसको देख सकते हो, ये ऐसे खुलता है, ये दबाते हो ये खुलता है, इसके अंदर तार डालते हो, आपको पता लगे आपका करंट का बारे में सब। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एसी अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं, या फ्रिज रिपेयर करना चाहते हैं, या हैवी कोई आपके पास मशीन है उसको रिपेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्लैंप मीटर, जैसे कि सर ने बताया क्लैंप मीटर भी है। आपके मन में चल रहा होगा कि यार प्राइस अभी तक क्यों नहीं बताया किसी का भी, तो चलिए प्राइस भी बता देते हैं, आप वीडियो पर इसी तरह बने रहे। देखो जैसे कि ये क्लैंप मीटर आप लेते हो तो आपको बढ़िया सा लेदर केस आएगा, ताकि इसकी सेफ्टी पूरी रहे, डब्बा तो आप संभाले रखो ना रखो। तो इसके अंदर आपने अनफोल्ड किया इसको, सबसे पहले इसके अंदर एक बैटरी निकलेगी, वो मैंने बैटरी लगा दी अभी आपको चेक कराने के लिए, इसका यूज़र मैनुअल निकलेगा, ठीक है, ये है ये है, साथ में इसके साथ एक मल्टीमीटर लीड भी निकलेगी टॉप क्वालिटी की। अब आप इसके अंदर देखो, जैसे अब हमने इसको ऑन करा, अभी इसको इसमें लाइट भी जल रही है, ये बटन दबाए आप, लाइट ऑफ हो गई, ये लाइट ऑन हो गई, ठीक है। अब इसको एसी पे चेक करना है, डीसी पे चेक करना है, ये आपको जैसे भी करना कर सकते हो। फिर यहाँ से इसके बीच में तार डालो, तार की रेंज आ गई कितने एम्पियर का है। उसके बाद सबसे बढ़िया फंक्शन इसके अंदर जो अभी तक हर मल्टीमीटर में नहीं आया, वो ये है होल्ड का फीचर। ये समझो ये आपने होल्ड बटन दबा दिया, उसके बाद घुमाते रहो, समझो आप बैठे हो नीचे, आपका लड़का गया ऊपर एसी चेक करने जी, भैया क्या प्रॉब्लम है, वो आके आपको दिखाएगा कैसे, क्योंकि ऊपर से नीचे आ गया तो चेंज हो जाएगा। हाँ। आपने ये होल्ड का बटन दबा दिया जी। बात खत्म, ऊपर से नीचे आया लड़का, ये फ्रिक जो रीडिंग है इतनी ही रहेगी, जितना मर्जी घुमा लो इसको, ठीक है, ये रीडिंग चेंज नहीं होगी इसकी, इतनी ही रहेगी। तो किस रेंज में आने वाले हैं सर ये मीटर? नॉर्मल क्लैंप मीटर 250 रुपये से स्टार्ट हुआ था, ओके, 250 रुपये से ले करके आप समझो और अच्छा आ जाओ 650 में भी है, 750 में भी है, 900 में भी है, 1200 का भी है, 4000 का भी है, सब वैरायटी है हमारे पास। मैंने बताया ना मल्टीमीटर आप सुई वाला स्टार्ट कर दो 120 रुपये से लेकर, इससे आगे जो वैरायटी आपको चाहिए सस्ता बढ़िया और बढ़िया सब है टोटल। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं मल्टीमीटर की अगर रेंज की बात है तो यहाँ पर 120 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, और 120 रुपये से स्टार्ट होने के बाद जो आपको चाहिए वो मल्टीमीटर यहाँ पर आपको मिल जाएगा किसी भी ब्रांड में। अगर आपको ये जो भी ब्रांड दिख रहे हैं वो तो मिलेंगे, इसके अलावा भी अगर आपको कोई अदर ब्रांड में चाहिए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो सर ये जो इसकी जो क्वान्टिटी रहने वाली है वो एक पीस अगर कोई लेता है उसके लिए रेट वगैरह क्या लगता है, या पेटी खरीदने पे? हमारे से 1 लो 100 लो 1000 लो हमारा रेट एक ही होता है, क्वांटिटी जितनी मर्जी हो रेट एक ही होता है, नो बार्गेनिंग सिस्टम। तो ये एक इंडिया में ऐसी पहली शॉप है जहाँ पर क्वांटिटी को लेकर कोई मसला नहीं है, अगर यहाँ से आप एक पीस भी खरीदते हैं तो भी आपको एक ही रेट मिलना है, अगर आप इनसे कहते हैं मुझे कार्टून चाहिए तब भी आपको एक ही रेट मिलना है। इस चीज़ का तो माइंड से निकाल दो यार, एक लूंगा मैं मुझे महंगा पड़ेगा, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रेंड जैसे कि आपने देखा यहाँ पर आपको हर तरह के मल्टीमीटर भी देखने के लिए मिले और सैटेलाइट फाइंडर भी देखने के लिए मिला। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और आगे आपके मन में किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर वीडियो हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।